साइबर सिटी गुरुग्राम में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंडल आयुक्त, जिला उपायुक्त, निगमायुक्त, डीसीपी हेडक्वार्टर ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों और कंटेनमेंट जोन को लेकर चर्चा की गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने बताया कि कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए जिले में ज्यादातर संख्या में लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके कारण मरीज भी ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन राहत की बात ये है कि ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक मिल रहे हैं, जो घर में आइसोलेट होकर अपना इलाज कर सकते हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास ये अलग कमरा और बाथरूम नहीं है, वो लोग पेड आइसोलेशन सेंटर में रह सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां रहने खाने से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं जिला प्रशासन ने इस बार कंटेनमेंट जोन में पहले से ज्यादा सख्ती कर दी है। शहर के ज्यादातर इलाकों को कंटेनमेंट जोन में डाला गया है, जिससे लोग परेशान हैं, क्योंकि गली बंद होने के कारण शहर का पूरा ट्रैफिक मेन रोड पर जा रहा है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि आने वाले दिनों में इस पर काम किया जाएगा। शहर में कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू करने से और ज्यादातर संख्या में कोविड टेस्ट करने से पिछले 2 हफ्ते में कोरोना संक्रमित मामलों में खासा कमी देखने को मिली है। अब तक जिले में 36,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। हमारे आरटीपीसीआर प्लस एंटीजन मिला के अराउंड 2000 टेस्ट पर डे रहते हैं। मिनिमम 2000 मेंटेन करने का टारगेट है, उसे इनहांस एक्सीड भी किया जा सकता है एज पर इन्फोर्समेंट, एज पर रिस्क, या कहीं लगता है कि अगर एक पॉसिबिलिटी है, लाइकलीहुड है, कोई नए कंटेनमेंट जोन्स बने हो या कहीं से फ्रेश आउटब्रेक हुआ, सो वी कैन एक्सीड दैट, बट एटलीस्ट 2000 टेस्ट पर डे का हमारे इसमें लक्ष्य रहेगा। आपको बता दें कि हरियाणा में ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े गुरुग्राम से सामने आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।